दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एथिक्स कमेटी। हमने एथिक्स की इंपॉर्टेंस भी जान ली, एथिक्स प्रोग्राम बनाना पड़ता है ये भी जान लिया, और एथिक्स प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कराने के लिए एथिक्स ट्रेनिंग दी जाती है ये भी हमें पता लग गया। अब एक एथिक्स कमेटी होती है जो कि अभी हमने डिसाइड किया था ना सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग, तो एथिक्स कमेटी का ये काम होता है कि उसको वो टोटली कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होती है एथिक्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एथिक्स कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? इसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, उनकी ये कमेटी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? रिव्यू एथिकल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो हम एथिकल स्टैंडर्ड जो बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए रिव्यू करेंगे कि ये सही है नहीं है, या फिर इसमें क्या मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या इसमें चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें घटा सकते हैं, ये काम आपकी एथिक्स कमेटी का है। फैसिलिटेट कंप्लायंस, यानी कंप्लायंस अच्छे से फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं, और हो अगर नहीं हो रहे तो किस तरीके से होने चाहिए, ये सब भी डिसाइड एक तरीके से एथिक्स कमेटी का काम है। ड्यू डिलीजेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, अगर कोई एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहा है तो एथिक्स कमेटी भी उसको रिव्यू कर सकती है, चेक कर सकती है, उसका ड्यू डिलीजेंस कर सकती है कि वो बंदा उसके लायक है भी या नहीं। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कि हमने वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड बना दिए, प्रोटोकॉल्स बना दी, वो अच्छे से फॉलो हो गए, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना और उसकी एक तरीके से चेकिंग करना कि ये सही से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। फुलफिलमेंट ऑफ अटैच ड्यूटीज, और जितनी भी उनकी अटैच ड्यूटी होगी इस सब से रिलेटेड, वो सब भी उनको फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रिटी पैक्ट। इंटीग्रिटी पैक्ट ये मोस्टली उनके लिए होता है कि अगर एग्रीमेंट हो रहा है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और प्लस जो बिडर आते हैं ना, कि जब ये एक तरीके से ये होता है कि कोई डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई टेंडर पास होना है तो उसके लिए बिडिंग लगती है। ठीक है दोस्तों, तो जो वो बिडिंग लगाते हैं उनको बोलते हैं बिडर। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट और बिडर जो कि टेंडर में अपनी कोटेशन वगैरह दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप ब्राइबरी एंड ऑल कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं करोगे टेंडर लेने के लिए। दूसरी चीज़, आपको टोटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस एग्रीमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपने किसको क्या कमीशन दिया है और या फिर क्या एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, आपको कम्प्लीटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इससे रिलेटेड जो भी आपने एक्सपेंसेस या कमीशन दिया है, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट। ठीक है दोस्तों।